नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास सृष्टि के उन गूढ़ रहस्यों को आप तक लाने का है जो हमारे जीवन के आध्यात्मिक सफर को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। यह वीडियो श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंध तृतीय अध्याय में राजा निमि और भगवान के अंश ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से उन 9 पुत्रों के बीच का संवाद है, जो संसार के सारे सुख त्याग कर विरक्त हो योगेश्वर बन गए थे। इस अध्याय में राजा निमि ने उन महान संतों से भगवान की माया, उसकी पहचान और इंसानों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के विषय में पूछा है। राजा निमि के प्रश्नों के उत्तर में उन योगेश्वरों में से तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, भगवान जिस शक्ति से स्वनिर्मित पंचभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सहायता से देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की रचना करते हैं, फिर ये सभी अपने विषय भोगों, कर्मों और अकर्मों में लग जाते हैं। इसी को भगवान की माया कहते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में मिट्टी से तरह तरह की आकृतियां बना लेते हैं और कुछ समय के लिए ऐसा मान भी लेते हैं कि जो आकृति बनाई है वह वही है, परंतु थोड़ी देर खेलने के बाद वे समझ जाते हैं कि ये आकृतियां मिट्टी से अधिक कुछ भी नहीं, और यही सोच उन बालकों की उन मिट्टी की आकृतियों से आत्मीयता एक पल में समाप्त कर देती है, क्योंकि मिट्टी का स्वरूप जो भी बदल लो वह रहेगी तो मिट्टी ही। उसी प्रकार मानव शरीर भगवान की माया द्वारा निर्मित, पंचभूतों द्वारा रचित उस मिट्टी के खिलौने के ही समान है, जो क्षणिक सांसारिक सुखों और दुखों को भोगकर अंत में उन्हीं पंचभूतों में विलीन हो जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी पंच भौतिक शरीर में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट रहते हैं। वे अपने को ही एक मन, तत्पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों में विभाजित कर देते हैं, जिससे वे जीव को सांसारिक विषयों का भोग कराने लगते हैं। जीव इन इंद्रियों को ही अपना समझ सांसारिक सुखों का भोग करने लगता है। देह अभिमानी जीव अंतर्यामी भगवान द्वारा प्रकाशित इंद्रियों से विषयों का भोग करते करते अपने आप में इतना लीन हो जाता है कि वह अपने को ही सर्वस्व समझने लगता है, जिसके कारण वह अपने किए अच्छे बुरे कर्मों के चक्कर में उलझकर एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर और लगातार करोड़ों वर्षों तक यही करता भटकता रहता है। यही भगवान की माया है। राजा निमि ने कहा, हे योगेश्वरों, भगवान की इस माया का पार पाना तो लोगों के लिए बहुत कठिन है, फिर भी ऐसा कैसे हो जाता है कि ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष की तपस्या करके जिस माया का पार नहीं पा पाते, उसे कई अल्प बुद्धि मनुष्य अनायास ही पार कर जाते हैं। राजा निमि के इस प्रश्न के उत्तर में चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, जिस प्रकार धन लगता तो है सुख का कारण, परंतु इससे दिनों दिन दुख ही बढ़ता है। इसको पाना भी कठिन है, पर यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो जीव की आत्मा के लिए यह मृत्यु रूप है। जो भी इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भी भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी भी अनित्य और नाशवान है, इसीलिए इन सभी के संयोग वियोग की आसक्ति और उलझने यही भगवान की माया है। अब बात आती है कि मनुष्य ऐसा क्या करे जो इस माया का पार पा सके। इसके लिए मनुष्य को किसी ऐसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए जो वेदों को सही सही समझा सके और ईश्वरीय सत्ता के वास्तविक तत्व को समझता हो, जिससे वह अपने अनुभव द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को भी समझा सके।
उसका व्यवहार शांत और संसार में फैले बेकार के प्रपंचों और पाखंडों से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु मिलने पर उसका सानिध्य ग्रहण करे। तत्पश्चात सबसे पहले संतान आदि में अनासक्ति रखना सीखे, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम भाव रखे, सभी प्राणियों के प्रति दया और मित्रता का भाव रखना सीखे। धीरे धीरे अपने आप को संसार के सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित करे। समस्त देश काल और वस्तुओं में सर्वत्र भगवान का ही वास है, इस प्रकार की सोच रखे। जीवन में संतोषी होकर रहना सीखे, क्योंकि जो कुछ उसे मिला है वह पूर्व के जन्मों के कर्मों का फल है, और इस कर्म के चक्कर से बाहर निकलने के लिए उसे गुण दोषों आसक्ति अनासक्ति से रहित होकर इस कर्म चक्र को तोड़ना पड़ेगा। हे राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं, उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं सब भगवान को समर्पित करना, और भगवान के प्रेमी संतों जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर रखा है उनकी सेवा करें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में लोगों से चर्चा करना, जिससे प्रपंचों से मुक्त होकर मनुष्य आपस में ईश्वरीय लीलाओं का चिंतन कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण युगो युगों के पापों का एक क्षण में अंत कर देते हैं, उन्हीं का स्मरण करें और आपस में चिंतन मनन की। इस प्रकार भक्ति और अनुष्ठान करने से शरीर भगवत प्रेम से पुलकित हो जाता है। कभी कभी ऐसे भक्त इस प्रकार चिंता करने लगते हैं, मुझे अब तक भगवान नहीं मिले, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, यह सोचकर वह परेशान हो जाते हैं। कभी कभी वे भगवान की लीलाओं की स्मृति में लीन होकर स्वयं को वहां ही महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी महसूस करते हैं कि मानो भगवान से सीधे ही बात कर रहे हो। हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य भागवत धर्म को ग्रहण करता है उसे उसके द्वारा प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वह भगवान नारायण के परायण होकर माया को अनायास ही पार कर जाता है। राजा निमि ने पूछा कि परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से निरूपण किया जाता है, ऐसा क्यों? अब उत्तर देते हुए पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, जो इस संसार को बनाने वाले भी हैं और इस संसार के रूप में स्वयं बनने वाले भी हैं, जो हर मनुष्य में सोते हुए जागते हुए और स्वप्न की अवस्था में हर कृत्य के साक्षी के रूप में विराजमान है, उसी परमात्मा या वस्तु को नारायण समझिए। जैसे कोई चिंगारी जलती हुई अग्नि को ना तो जला सकती है और ना ही प्रकाशित कर सकती है, उसी प्रकार उस परम तत्व आत्मा रूप में ना तो मन की गति है, ना वाणी की, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि उसे सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास भी नहीं भटक सकते। जब सृष्टि भी नहीं थी तब केवल एक वही था, सृष्टि निरूपण करने के लिए उसी का त्रिगुण रूप सत्व रजो और तमो को प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य असत्य है, सब कुछ ब्रह्मा है, और इससे परे जो भी है वह भी ब्रह्मा है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, ना कभी बढ़ती है और ना कभी घटती है। वही भूत भविष्य वर्तमान सभी में समान रूप से साक्षी है, वह ज्ञान रूप है। संसार में चार प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी सांप आदि, नाल में बंद कर पैदा होने वाले मनुष्य और पशु, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष और वनस्पति, पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि,
इन सभी शरीरों के स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण रूपी परमात्मा का एक समान वास होता है। निद्रा की अवस्था में जब इंद्रियां भी प्रभावहीन हो जाती हैं, मन सो जाता है, उस अवस्था में यदि हृदय में व्याप्त प्राण रूपी आत्मा भी ना हो तो इस बात की स्मृति कैसे होगी कि मैं सुख से सोया था। इसलिए मन और इंद्रियों के सुषुप्त होने के बावजूद भी पीछे से होने वाली यह स्मृति कि मैं सुख से सोया था आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब कोई मनुष्य भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति करता है, तब वह भक्ति अग्नि के समान ही गुण और कर्मों से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों को जला डालती है। इससे जब मन शुद्ध हो जाता है, तब परम तत्व का साक्षात्कार होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ध्यान और पूजन विधि क्या है जो परम तत्व के साक्षात्कार में सहायक बनती है।